तो हेलो गाइस, आज हम आपको जिन भिखारियों के बारे में बताने जा रहे हैं वो दरअसल भारत के सबसे अमीर भिखारियों में शामिल हैं। पर शायद ही आपको इन भिखारियों के बारे में पता हो जिनके बच्चे भारत के सबसे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। इनके पास अपना खुद का बिजनेस है, बिल्डिंग्स हैं और करोड़ों का बैंक बैलेंस। इसके बावजूद भी भीख मांगना इनका पेशा है। तो आइए जानते हैं भारत के सबसे अमीर भिखारियों के बारे में। मसू, मुंबई के रहने वाले इस भिखारी का नाम मालामा खान है, मगर लोग इसे मसू कहकर पुकारते हैं। मसू भारत के सबसे अमीर भिखारियों के साथ साथ सबसे समझदार भी है। मसू की उम्र 65 साल है और इसने भीख मांगने में महारत हासिल की हुई है। ये अपने खुद के ऑटो रिक्शा में भीख मांगने के लिए पहुँचता है। उसके बाद ये अपने कपड़े ऑटो में ही भिखारियों वाले कपड़े पहनता है। मसू हमेशा 5-स्टार होटल के बाहर भीख मांगता है जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आती रहती हैं। मसू महीने में 40 से 50 हज़ार रुपये कमा लेता है। इसके अलावा मसू की 40 लाख की प्रॉपर्टी भी है। पप्पू कुमार के नाम का ये भिखारी बिहार के शहर पटना में रहता है। बताया जाता है कि पप्पू शुरुआत से ही भिखारी नहीं था, मगर एक एक्सीडेंट में टांग को खो देने के बाद उसे मजबूरन भिखारी बनना पड़ा। पप्पू पटना शहर के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का काम करता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पप्पू सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों में शुमार है। इस वक्त पप्पू कुमार 1,25,00,000 रुपये की संपत्ति का अकेला मालिक है। इसके अलावा इसके कुछ बैंक अकाउंट्स भी हैं जिसमें इसने लाखों रुपए जमा करा रखे हैं। हाजी नाम का ये भिखारी मुंबई की मस्जिदों और मंदिरों के बाहर भीख मांगने का काम करता है। हाजी की उम्र इस वक्त 31 साल है और इसने भीख मांगने का काम बहुत ही छोटी उम्र से कर दिया था। हाजी एक महीने में तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये कमा लेता है। हाजी के पास खुद का घर है और 15 लाख रुपये का एक प्लॉट भी है। इसके अलावा हाजी का खुद का एक जरी का कारखाना भी है जहां पर 15 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। सरवतिया देवी भारत की सबसे मशहूर भिखारियों में से एक है। सरवतिया देवी चलती हुई ट्रेनों में भीख मांगने का काम करती हैं। सरवतिया को अपना ये काम बहुत पसंद है क्योंकि इस काम की वजह से वो ना सिर्फ मुफ्त में ट्रेन की यात्रा करती है बल्कि अपने घूमने फिरने का शौक भी पूरा करती है। सरवतिया हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपये कमा लेती है और इस भीख के पैसों से इसने पटना में अशोक साइनमा के पास घर भी खरीदा हुआ है जहां वो बड़ी शान से रहती है। सरवतिया की एक बेटी भी है जिसकी इसने धूमधाम से शादी की थी। इसके अलावा सरवतिया हर साल 36 हज़ार रुपये इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करती हैं। भारत जैन, ये है फर इंग्लिश बोलने वाला भिखारी भारत जैन। भारत जैन मुंबई शहर से ताल्लुक रखता है और इस शहर में भीख मांगने का काम भी करता है। इसकी शरीरी हालत देखकर कोई भी इंसान ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये व्यक्ति करोड़पति है। भारत जैन महीने के 75 से 80 हज़ार रुपये भीख मांग कर कमा लेता है। इसके पास खुद के 70 लाख के 2 फ्लैट हैं। भारत जूस की दुकान का भी मालिक है। इसी जगह इनकी एक और दुकान भी है। इन दोनों दुकानों से भी भारत को महीने का 10 हज़ार रुपये किराया मिलता है। भारत जैन इंडिया का सबसे अमीर भिखारी है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।